ये स्नान गृह जहाँ उनकी बेगम है। दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं, बालकनी का धुम्मद है, वहाँ पे जाके अकबर अपनी रानी के साथ बैठ जाया करता था। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहाँ इनके रथ और घोड़े खच्चर वगैरह बांधे जाया करते थे। और उनको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और चैनल पे आए हो तो लाइक ज़रूर करना बिल्कुल, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो अभी हम फतेहपुर सीकरी के किले में आ चुके हैं और अभी हमने जस्ट वीडियो स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब देखो ये एंट्री गेट है जहाँ से हम आए हैं अभी, और ये महल का मेन एंट्री है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और इस टाइम काफ़ी धूप हो चुकी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे हम, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते धूप निकल आई, तो इस वक्त हम आपको ये सारा कुछ धूप में ही शूट करना पड़ रहा हमें। ये देखो पसीने से कितनी बुरी हालत हो गई हम लोगों की, पसीना निकल रहा है हमारा, पसीना खून पसीने से खून पसीने से वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है आगरा में, आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी स्मारक है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लाइक जैसे जोधाबाई महल और पंचमहल और अकबर का, ये आपका क्या होता है, क्या बोलते हैं, अकबर का, बीरबल का महल और स्नान गृह है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक कुतुब मीनार भी है और पास ही में एक दरगाह भी है यहाँ पर, वो भी आपको विज़िट कराएंगे अभी थोड़ी देर में। और एक बुलंद दरवाज़ा भी है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसकी आपको अभी फुटेज दिखाएँगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पानी पीने की सुविधा है, टॉयलेट की भी सुविधा है, ये महल है यहाँ पर। ये टूरिस्ट अभी सुबह सुबह है इसलिए टूरिस्ट यहाँ फिलहाल थोड़े कम है। चिश्ती की दरगाह भी है यहाँ पे, जहाँ पे अकबर को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने दुआ मांगी थी चिश्ती की दरगाह से यहाँ पे, तो जब उनकी दुआ कबूल हो गई तो जहांगीर उनके बेटे पैदा हुए, तब यहाँ पे उनकी याद में उन्होंने वो ये स्मारक भी बनवाई और वो दरगाह। दोस्तों अभी वीडियो में हम आ चुके हैं और देखो यहाँ पे ना आपको हम महल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम जो खड़े हुए हैं वो आप देखोगे, जैसे सामने ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये नदी नहीं कहेंगे इसको, हौद कहेंगे, हौद कहेंगे। ये एक टाइम पे स्नानागर हुआ करता था, यहाँ पे अकबर कभी अपनी रानियों के साथ नहाया करते थे। रानियों के साथ? हाँ, अपनी रानियों के साथ, उनकी एक रानी भी थी। रानियों के साथ? रानियों के साथ, क्योंकि उस पुराने टाइम पे ये जो अकबर लोग और ये भी बादशाह हुआ करते थे ना, ये एक से इनका काम नहीं चलता था तो ये एक से ज़्यादा रखा करते थे, एक से ज़्यादा रानी रखा करते थे, ये हुआ करता था। दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हो, ये अकबर का मंत्री महल है। दोस्तों ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये जो आप बीच में देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ बीच में अकबर बैठते थे, और यहाँ पे मुजरिम जो मुजरिम खड़ा होता मुजरिम था, या वो कहते हैं कोई क्या होता, वहाँ पे अकबर बैठते थे, यहाँ मुजरिम की सुनवाई होती थी और उनको देखा जाता था कि ये सही है गलत है, अगर सही होता जी तो कटघरा एक तरह का, कटघरा यहाँ पे खड़ा होके, और यहाँ पे एक खूंटा बंधा हुआ है, यहाँ पे हाथी बंधे रहते थे, तो जैसे ही उन्हें पता चल जाता था कि ये मुजरिम है तो हाथी से कुचलवाया करता था उनको यही बगल में ही। हाँ बगल में ही। दोस्तों ये गुम्बद जो बनाए जाते हैं ऊपर, ये किस लिए बनाए जाते हैं आपको पता है? पुराने टाइप के जो लोग हैं ना वो महल बनाते थे दोस्तों, तो इनमें ना ये वेंटिलेशन का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं, इतने बालकनी है इतने, आप अकबर के न्यायालय, न्यायालय कक्ष में, यहाँ पे बीच में अकबर बैठा करते थे। देखो इसमें अकबर का मानना था कि इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो दीन ए इलाही का मतलब है कि वो सारे धर्मों को मानते थे। देखो इसमें डिजाइन जो आप देख रहे हो ये पारसियन है, नीचे जो लोटस बना हुआ है वो हिंदू है,
और ये नीचे डिजाइन बना हुआ है, ये बहुत, ये दोस्तों मीटिंग कक्ष है। यहाँ पे अकबर के नौ रत्न रहते थे, तो नौ रत्न अपनी यहाँ पे मीटिंग करते थे और बीच में अकबर बैठते थे, बाकी नौ रत्न साइड में बैठते थे। इनके दरवाजे ये बंद कर रखे हैं ये जाने के लिए अंदर, पहले ये अभी इसलिए कर रखे हैं क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट का कुछ रूल है। तो इनके ये नौ रत्न थे, नौ रत्न कौन कौन से थे, वो थे मानसिंह और बीरबल, तानसेन, अबू फजल, फैजी और टोडरमल, मानसिंह, टोडरमल मानसिंह और अब्दुल रहीम और ऐसी कुछ, अब्दुल करीम ऐसी कुछ थे, अभी नाम याद नहीं है पर हो जाएंगे धीमे धीमे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाएंगे अपने महल में। इसको फतेहपुर सीकरी नाम कैसे रखा गया अकबर ने, बताओ तो, आपको पता हो तो, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कमेंट में बताया हमें, हाँ कमेंट करें, अभी कमेंट करें और करते दोस्तों आप कमेंट वमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, करो करो जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों हम फिर इस जगह आ चुके हैं जहाँ बीच में आपको एक महल दिख रहा है, ये शायद अकबर का पर्सनल महल था। पर्सनल महल था यहाँ पे, जिसके जिनको नवरत्नों को बैठा के उनकी उनसे सारी डिस्कस किया जाता था कि क्या क्या करना है और कैसे करना है अपने अपने क्षेत्र में। नवरत्न अपने अपने विधाओं की सारी जानकारियाँ रख के और वो अपनी जानकारियाँ राजा को शेयर करते थे और राजा ध्यान से सुनते थे उनकी जानकारियाँ, वो फिर डिसीजन लेते थे। इसके बारे में कुछ बताओ, पता हो तो मैं तो। ये तो दोस्तों ये इस महल का पीछे का ये स्थान है जहाँ उनकी बेगम ने स्नान किया करती थी, जिन जिधर किसी को जहाँ पर किसी को आने की परमिशन नहीं थी सिवाय अकबर। अब थोड़ा साइड दोस्तों, गर्मी है आज और धूप भी तेज निकल आ रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धूप का तापमान बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर और गर्मी। कितना बड़ा हरा भरा गार्डन है। अकबर के पास इतनी जगह थी कि पूरा एक शहर अपने महल के यहाँ सवार बैठा करती थी उनके कार्यक्रम को देखने के लिए। चारों तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा मिलेगा देखने को, और यहाँ शायद अकबर बैठा करते थे अपनी प्रजा के साथ डिस्कशन करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये शायद इसका पीछे का बैकयार्ड है, ये देखो आपको मोर दिख रहा हो सामने, ये बहुत ही कम दिखाई देता है। बोलो, और देख लो यहाँ से महल की ऊंचाई कितनी है, सामने मंदिर भी छोटा नज़र आ रहा है, ये शायद इसके बैकयार्ड का एक महल है। उनकी जो आई थिंक जो हिंदू रानी थी जिन्होंने उनसे शादी करी तो उनके लिए उन्होंने जोधा महल बनवाया था अलग से, और उस महल में उन्होंने मंदिर भी बनवाया था, और उनकी कुछ शर्तें थी, उस शर्तों पे उन्होंने उनसे शादी करी थी, और एक आंगन बनवाया था जिसमें वो चंदन का पेड़ बनवाया था उनके लिए, और ऐसा माना जाता है कि वो अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रहा करती थी। ये नाद बनी हुई है, नाद या हौद ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, तो इसमें हाथियों के लिए खाने की चीज़ रखी जाती थी और पानी वानी की सब कुछ व्यवस्था इसी में कर दी जाती थी। दोस्तों ये जो खूंटे देख रहे हो आप, ये खूंटे हाथियों को बांधने के लिए हुआ करते थे उस टाइम पे, और यहाँ पे हाथी बांधे जाते थे, और यहाँ पे जब हाथी बांध दिए जाते थे तो उनको खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पे कराई जाती थी। तो ये सारे खूंटे बने हुए हैं जिसमें इनको बांधा जाता था, और ये पुराने महल जो राजा महल बनवाते थे अपने टाइम पे, तो वो जब महल बनवाते थे तो वेंटिलेशन का और उसका
हवा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। देखो सभी में प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। और यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ छुपन छुपाई खेल खेलते थे सभी रानियों के साथ। तो इन्होंने अरे भाई है, छुपन छुपाई खेलते थे अपनी रानियों के साथ। क्योंकि दोस्तों अकबर पढ़ा लिखा नहीं था और अकबर मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया था। क्योंकि 1556 ईस्वी में हुमायूं को बेटा पैदा हुआ अकबर, और 1574 ईस्वी में सॉरी 1564 ईस्वी में इनको राजा बना दिया गया अकबर महान को। और जैसे ही ये राजा बना तो अकबर इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे तो इन और पर वो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद वो अपनी कला की कदर करते थे और जो पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के वो रखे हुए थे नवरत्न, जैसे कि तानसेन हुए, संगीत की बहुत अच्छा गाते थे। तो संगीत जब गाते थे तो कहते हैं उनके टाइम पे मलार वगैरह जो अच्छा गाते थे वो, और दीप क्या कहते हैं उससे, दीपक जल उठते थे ऐसा कुछ गाते थे, ऐसा गाते थे कि दीप जल उठते थे पूरी सभा में। हाँ दोस्तों इस लग तो ऐसे ही रहा है, ये मंडप सा लग रहा है हमको, और हो सकता है इसमें अकबर ने बैठ के कुछ अपनी रानियों के साथ सुकून के पल बिताया करता हुआ, या हो सकता है कि केवल रानियों के लिए बनाया गया हो ये जगह। और वो जो सामने आप देख रहे हो दोस्तों, फोकस करना, सामने आप जो देख रहे हो दोस्तों वो पंचमहल का लास्ट का गुम्बद है, वहाँ पे जाके अकबर अपनी रानी के साथ बैठ जाया करता था और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया करता था। क्योंकि नीचे से ऊपर, नीचे के मुकाबले ऊपर ज़्यादा अच्छी हवा आती थी उस टाइम पे। हाँ तो बमन, हाँ तो एक बार बमन भाई, हाँ तो एक बार बमन नहीं, हाँ, बमन, नहीं बमन, बमन ओनली, हाँ, अच्छा बमन, बमन ओनली नहीं, ओनली बमन, अच्छा ओनली बमन, हाँ, अरे नहीं एक बार, अच्छा एक बार बमन। अकबर की तीन रानी आती थी भाई, एक रानी नहीं है, मुश्किल पड़ रही है आजकल है। अकबर की तीन तीन चार चार रानी आती भाई, तो ऐसा क्या था इसके पास, ऐसा होता ना अकबर की तीन रानियाँ एक कमरे में नहीं रहती थी, नहीं तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाती होगी। महल बना दिए बड़े बड़े तो एक महल में एक रानी रह रही है, दूसरे में दूसरी रानी रह रही है दोस्तों, तीसरे में तीसरी रानी। तो अकबर का मन करता था तो उस महल में जाया करता था वो, जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार में मंगल वाली रानी। ये क्या है दोस्तों, आगरा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है फतेहपुर सीकरी, जिसमें अकबर ने अपने महल को इस तरीके से बनाया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे उसने अपने सारी सुख दुख, सारी सुख की सुविधाएं इकट्ठी कर रखी हैं। जैसे कि इसने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 9 दरवाजे बनाए हुए हैं, इन्होंने स्नानाघर है, और यहाँ पे दासों के रहने की व्यवस्था है, भंडार गृह है जनता के लिए, उनको बैठाने के लिए अलग व्यवस्था इन्होंने बनाई रखी है इसमें। और इनके जो नवरत्न हैं दोस्तों फोकस, ये डिज़ाइन देख रहे हो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने में इनको लगभग 3 साल लगे थे दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हो किस टाइप की कारीगरी इसमें हो रखी है, ये नीचे फूल वाली, फिर ऊपर कुछ और, फिर अंदर कुछ और, ऐसे करके कई सारी डिज़ाइन इसमें लगा रखी हैं दोस्तों। नवरत्नों की जो सभा होती है संसद, एक तरीके से आज का जो संसद भवन बोल सकते हैं, जो इनका जहाँ पे ये अपनी सभा सुनते थे अपने नवरत्नों से, उनकी सलाह मशवरा सारी जानकारी उनसे लेते थे, तो उनकी मीटिंग हॉल भी उन्होंने बना रखा है। वैसे अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही उनको राजा बना दिया गया, बट वो सभी धर्मों में मानने वाले थे, और इसलिए उन्होंने अलग अलग नवरत्न शामिल किए अपने नवरत्नों में, अलग विशेषज्ञता हासिल पाए हुए लोगों को शामिल किया, जैसे तानसेन संगीत के बहुत बड़े, संगीत और गायकन के बहुत बड़े विद्वान थे। बीरबल एक बुद्धिमानी व्यक्ति थे जो अकबर के साथ कई सारे सुझाव अपने देते थे राजा को, हर बात में बीरबल से वो सलाह लिया करते थे अकबर। ये देख रहे हो दोस्तों, ये पुराने ज़माने के लॉक्स बने हुए हैं,
और ये पता नहीं किस टाइप से लगते होंगे और कैसे खुलते होंगे। अभी तो ये पीएचएस लगा के इनको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक हमें लग रहा है हम उतनी जानकारी आपको कोशिश कर नहीं रहे। वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो में को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना साथ बनाए रखें, ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे। ओह, तो ये कैसी जगह है पता नहीं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ काफ़ी ठंडक है इस टाइम, और यहाँ इस टाइम ठंडी ठंडक है कि यहाँ आप आराम से सो सकते हो। इतनी गर्मी में भी हर जगह से वेंटिलेशन के होल्स दिए हुए हैं ताकि आराम से ठंडी हवा में आप लोग सुकून से कुछ पल बिता सको। तो कुछ कहना चाहोगे आनंद भरे पलों के बीच में? हाँ दोस्तों, बाहर के मुकाबले यहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें, बट बाद में विश्राम नहीं करना दोस्तों, हमें जाना है क्योंकि हमें और भी चीज़ें कवर करनी है। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ से निकलते हैं, और इस प्लेस को आप बताइए, कमेंट करिए कैसा आपको लग रहा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहाँ इनके रथ और घोड़े खच्चर वगैरह बांधे जाया करते थे, और उनको खाना पीना खिलाया जाता था, और उनकी सर्विस जो होती थी उनको नहलाना धुलाना साफ सफाई करना। उस टाइम के ज़माने की आज की मोटरसाइकिल थी, वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाने घोड़ों की और इनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको फीडिंग वगैरह कराना और उनको नहा साफ सफाई रख के सारी चीज़ें वो वही करते थे। ये कौन सा पेड़ है भाई? ये तो दोस्तों खंडरों में आ गए हम। ये पीछे इनका पीछे का वो है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ये इनके गेट वेट हैं, पर पुराने हैं, पर इनमें काम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, ये किसी रानी का महल होगा। हाँ, तो दोस्तों हम फतेहपुर सीकरी वाले पीछे, अब पीछे वाले रास्ते से हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जहाँ पे इसमें काम चलता है और जो लेबर वर्क है वो अपना काम इसमें करती रहती है। तो हेलो दोस्तों, अब हम सामने आ गए हैं शेख सलीम हजरत चिश्ती की दरगाह। यहाँ पे अकबर एक कई अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पे इनसे मिलने आए थे। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर इसको बोलते हैं, तो यहाँ आए थे। तो जब उन्हें जहांगीर की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने इनके नाम से यहाँ पर ये दरगाह बनवाई, जिसको हम हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बोलते हैं। ये है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों और मुरादों के लिए आते हैं, और यहाँ पर काला धागे बांध के कहते हैं यहाँ मन्नत उनकी पूरी हो जाती है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिसमें ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपने मनपसंद धागा लगाते हैं और धागे के साथ अपनी मन्नतें मांगते हैं। जैसे कि पिछले दिनों सलमान खान कैटरीना कैफ आए थे अपनी फिल्म 2 के लिए, एक था टाइगर के लिए, तो उन्होंने कैटरीना अपना धागा बांधता यहाँ पर, तो उनकी फिल्म सुपर हिट हुई थी। पर ऐसा नहीं है हर फिल्म के साथ ऐसा हो जाए, ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ हो जाती हैं चीज़ें। अगर मन्नतें मांगने से फिल्म अच्छी हो जाती तो कोई मेहनत ही ना करता। तो दोस्तों, हमने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपको विजिट कर ली है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों, अभी आपसे इस वीडियो में विदा लेना चाहेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और चैनल पर आए हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब हम इस डेस्टिनेशन से विदा ले रहे हैं, हमने जितना हो सकता था कवर कर दिया। हमने आपको अकबर का किला दिखा दिया, दरगाह दिखा दी, और अंदर स्नान गृह दिखा दिया आपको, और जोधाबाई का किला, और पंचमहल और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी। तो इस वीडियो में जितना हो सकता था हमने कवर कर दिया। अब आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और
अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें धन्यवाद दीजिए आपका, नहीं हमें धन्यवाद दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। ठीक है।